हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी के लिए दो तरह के सिंहासन बनाएंगे। कार्डबोर्ड लिया है, इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये आपस में स्टिक है, इसको शेप में कट कर रही हूँ। ये कट कर लिया है, इसमें नीचे की तरफ अच्छी तरह से ग्लू लगा के और टेप लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। ग्लू लगा के फोम को स्टिक कर दूँगी। इसके किनारे में ग्लू लगा के कपड़े को स्टिक कर देंगे। अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है। हम बैक साइड में भी अच्छी तरह से ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इससे अच्छा फिनिशिंग लुक आएगा। बैक पोर्शन में भी इसी तरह से ग्लू लगा के कपड़े को स्टिक कर देंगे। नीटली स्टिक करेंगे इसको। अच्छी तरह से ग्लू लगा रही हूँ तो ये शेप में स्टिक होगा। अब ऊपर की तरफ किनारे में लेस स्टिक कर रही हूँ। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है सिंहासन। किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी। इसके बैक साइड में एक पैच स्टिक कर रही हूँ और साइड्स में पिलो स्टिक कर रही हूँ और नीचे की तरफ लेस स्टिक कर देंगे झालर वाली। पूरे साइड में इसी तरह से पूरी लेस को स्टिक कर देंगे। ये स्टिक कर दिया है। नीचे लेग बनाने के लिए इस तरह के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कलर कर दिया है और इसको नीचे की तरफ अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। सिंहासन के लेग्स बना रही हूँ, चारों लेग्स को इसी तरह से स्टिक कर देंगे। ये मेरे पास रखे हुए थे तो इनका यूज़ किया है। अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है। इस तरह से ये सिंहासन बन के तैयार है। इस तरह से आप भी इस सिंहासन को अपने घर में बहुत ही इजी बना सकते हैं। दूसरा सिंहासन बनाने के लिए कार्डबोर्ड को सर्कल में कट किया है, इसके दो पीसेस लिए हैं, इसमें ग्लू लगा के स्टिक कर दिया है। अब इसके ऊपर फोम को स्टिक कर देंगे। किनारे में ग्लू लगा के इसको कपड़े से कवर कर देंगे। अच्छी तरह से कट्स लगा के इसको स्टिक कर देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी सिंहासन की। इसको बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कृष्णा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। इसको सीधा कर लिया है। अब ये रूप का पीस लिया है, इसको गोटे लेस से पूरी कवर करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह पाइप का यूज़ कर सकते हैं, पतली वाली पाइप का। इसको पूरा लेस से कवर कर देंगे। ये दोनों सिंहासन बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऊपर की तरफ हाफ में ग्लू लगा के इस रूप को स्टिक कर देंगे और नीचे की तरफ लेस से इसको पूरा डेकोरेट करेंगे। पूरे राउंड में इसी तरह से लेस को स्टिक कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने कृष्णा जी के लिए बहुत सारे सिंहासन और बेड बनाए हैं अलग अलग डिज़ाइन के। आप ज़रूर मेरे वीडियोस को देखें। बहुत ही इजी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी के लिए उन बेड्स को बना सकते हैं। साइड में ग्लू लगा के फ्लावर्स से इसको डेकोरेट करेंगे। बैक साइड में मोर पंख से इसको डेकोरेट करेंगे और सामने की तरफ भी फ्लावर्स को स्टिक कर देंगे। बैक साइड में नीचे की तरफ लेग को स्टिक करेंगे जो पहले वाले सिंहासन में लगाए थे। यहाँ पे ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ, इसको कलर कर दिया है किनारे से। अच्छी तरह से ग्लू लगा के चारों लेग्स में अच्छी तरह से इसको स्टिक कर दिया है। इस तरह से लेग बन गए हैं इसके। ये सिंहासन बन के तैयार हैं। आप भी बहुत ही ईजी अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्णा जी के लिए, बड़े साइज़ के हैं तो उनके लिए भी इसी तरह का बेड और सिंहासन बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।